रोक और मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है, कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है कि जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, मगर हार के जीतने का मज़ा ही कुछ और है, है कि नहीं। सो हेलो गाइज, मैं रतन सर, आप देख रहे हैं आप चैनल न्यूज़ का टीचर। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 क्लास 12 का बेसिक करने वाले हैं। ओके, एक्सरसाइज 4.5 का बेसिक करने वाले हैं, और इस बेसिक में कुछ है नहीं, बस हमें से दो ही टॉपिक के बारे में पढ़ना है और ये दोनों है। ओके, इन दोनों टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर इसका एक्सरसाइज करेंगे। इसका एक्सरसाइज बहुत आसान है, सिर्फ इन दोनों टॉपिक के बारे में पढ़ने के बाद आप आसानी से कर सकते हो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहले वाला जो टॉपिक है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। फिर दूसरे में क्या आ रहा है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसका बारे में पढ़ेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये होता क्या है कि ये होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, देखो इसको समझो। देखो इसका डेफिनेशन, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इसका डेफिनेशन क्या होता है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको समझो, मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा, कोफैक्टर, ठीक है। फिर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना होगा, ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ गया, सिंपल। देखो ऐसे समझो कि जैसे कि मान लो मेरा मैट्रिक्स है ए, वो क्या है, A11, A12, A21, A22, ठीक है। ये एक मेरा मैट्रिक्स है, इसका मुझे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या कहता है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि देखो ये एक मेरा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। इसका कोफैक्टर क्या होगा, A11, A12, A21, A22, ये होगा इसका कोफैक्टर, है कि नहीं। कोफैक्टर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A11, A12, A21, A22, ये हो गया इसका कोफैक्टर। ओके, तो अभी देखो कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, देखो ये सब, इन सब का कोफैक्टर आ गया, इन कोफैक्टर का मैट्रिक्स आ गया, है कि नहीं। ये मेरा कोफैक्टर का, इन सभी कोफैक्टर का ये मेरा मैट्रिक्स। अभी इस मैट्रिक्स से मुझे क्या निकालना होगा, ट्रांसपोज। यानी कि ये कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स का मुझे बस ट्रांसपोज निकालना है, फिर यहाँ पे जो आएगा वो मेरा फाइनल एडजॉइंट। यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो मेरा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, सिंपल। तो देखो हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो मान लो मेरा एक एग्जांपल है, जैसे कि मेरा मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4। ओके, ये एक मेरा मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4। तो हमें इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। ओके, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि सबसे पहले इन मैट्रिक्स का मुझे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और कोफैक्टर निकालने से पहले हमें माइनर निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। सबसे पहले माइनर निकालेंगे, माइनर के बाद ही कोफैक्टर मेरा आता है, ठीक है ना। और माइनर और कोफैक्टर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस भी नहीं है, माइनर जो कोफैक्टर भी सेम टू सेम वही, बस कोफैक्टर में एक्स्ट्रा क्या है कि उसमें हम प्लस या फिर माइनस साइन एक्स्ट्रा हम लगा लेते हैं, वरना माइनर जो है कोफैक्टर भी सेम टू सेम वही नंबर है। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हमें कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर निकालने से पहले सबसे पहले इसका हम माइनर निकालेंगे, है कि नहीं। तो वन का माइनर क्या होगा, देखो वन ये वाला रो में आ रहा है और ये वाला कॉलम में, इनको इनको छोड़ के क्या बचा, फोर। तो वन का माइनर फोर, फिर टू, टू ये वाला रो में और ये वाला कॉलम में, तो इनको इनको छोड़ के क्या बचा, थ्री। तो टू का जो माइनर है वो थ्री रहा, सेम टू सेम अभी थ्री का माइनर निकाल लेते हैं। थ्री देखो ये वाला रो, सॉरी ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में है, देखो थ्री ये वाला रो में ये वाला कॉलम में, तो इनको इनको छोड़ के क्या बचा, टू बचा। तो थ्री का जो माइनर रहा वो टू रहा, सेम टू सेम अभी फोर का, देखो फोर ये वाला रो में है और ये वाला कॉलम में है, तो देखो फोर ये वाला रो में ये वाला कॉलम में, इनको इनको छोड़ के क्या बचा, वन। यानी कि फोर का जो माइनर है वो क्या है, वन है। ओके, ये रहा, तो देखो वन का माइनर फोर, टू का माइनर थ्री, थ्री का माइनर टू, फोर का माइनर वन। ओके, देखो लेकिन हमें माइनर चाहिए या कोफैक्टर चाहिए, हमें कोफैक्टर चाहिए, है कि नहीं। तो देखो ये सब माइनर है, तो इस माइनर को मैं कोफैक्टर में कैसे बना सकता हूँ,
देखो कॉ फैक्टर और माइनस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। कॉ फैक्टर जो है माइनर भी सेम टू सेम वही है, बस कॉ फैक्टर देखो इस माइनर को हम कॉ फैक्टर कैसे बनाएंगे, हम इस माइनर में बस प्लस या फिर माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस का, सॉरी यहाँ पे हम प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन। तो देखो ये सब पहले सिर्फ देखो 4 था, सिर्फ 3 था, सिर्फ 2 था, सिर्फ 1 था, तो ये मेरा माइनर थे। अभी मैं इन सब के आगे प्लस या फिर माइनस साइन लगा दिया हूँ, तो ये हमारा अभी बन चुके हैं को फैक्टर, सिंपल फैक्टर बन चुके हैं। और अगर आपका ये डाउट हो कि आप यहाँ पे प्लस का साइन और माइनस साइन कैसे लगाए, तो देखो हमने माइनस का साइन उसी माइनर पे ही लगाया जिस माइनर का, देखो देखो ये -3 है, ठीक है ना। -3 किसका है, 2 का है, और 2 मेरा क्या है, देखो ए 1 2 है, ठीक है ना। ए 1 2, 1 2 मेरा कितना होता है, 3 होता है। 3 यानी इवन या ऑड, ऑड, ठीक है ना। देखो 1 2 जो है वो 3 होता है, 3 कितना होगा, मतलब 3 ऑड है या फिर इवन, ऑड है, ऑड यानी माइनस साइन। उसी तरह से 2 1, देखो ये 2 1, ठीक है ना, ये वाला जो घर है ये ए 2 1 है, और 2 1 कितना होता है, 2 प्लस 1 3, 3 ऑड या इवन, इवन इवन या ऑड, ऑड ऑड यानी माइनस साइन। और देखो ए 1 1 और ए 2 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, तो 2 और 4 ऑड या इवन, इवन इवन यानी कि प्लस का साइन। ओके तो ऑड यानी माइनस साइन लगा दिया, और जिसमें इवन है उसमें प्लस का साइन लगा दिया, तो हमारा कोऑपरेटर बन गया। अब इस कोऑपरेटर का मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो इसका मुझे अभी बस ट्रांसपोज कर देना है और मेरा एडजॉइंट आ जाएगा। लेंगे अभी हमें बस कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस इसका ट्रांसपोज निकाल देना है। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, देखो प्लस 4 माइनस 3, ठीक है ना। तो हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं, पहले वाले रो को यहाँ पे कॉलम 1 में कर देंगे। ओके देखो ये रो वन को हम यहाँ पे कॉलम 1 में लिख देंगे, और ये रो 2 को कॉलम 2 में लिख देंगे। -2 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये रहा मेरा एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, आंसर खत्म वाला। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ कोऑपरेटर ऑफ मैट्रिक्स। देखो देखो हम सबसे पहले क्या किया, ये एक हमारा मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स के सबसे पहले माइनर निकाले, फिर माइनस इसके पहले प्लस और माइनस साइन लगा दिए, तो हमारा कोऑपरेटर हो गया। और इस कोऑपरेटर का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिया, है कि ना। ट्रांसपोज इतना आ रहा है, और ट्रांसपोज कितना हो, तो वो मेरा ट्रांसपोज ऑफ कोऑपरेटर मैट्रिक्स होता है क्या है, एडजॉइंट होता है, तो मेरा एडजॉइंट आ गया, सिंपल, है कि ना। तो यही होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आप इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी हम इसका दूसरा वाला जो टॉपिक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हम समझते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वो अभी हम पढ़ते हैं। ओके इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये अभी हम पढ़ते हैं। ओके तो देखो आई होप कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या था और उसको कैसे निकालना है वो आप समझ चुके हो। अभी हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय ए डिटर्मिनेंट्स इन टू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके बस यही है, हमें बस यही फॉर्मूला हमें याद रखना है और कुछ नहीं है, सिंपल है। ओके तो देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये बस एक फॉर्मूला है, तो हम इसको भी समझ लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। ओके जैसे कि मान लो मेरा एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, तो इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। ओके तो कैसे निकालेंगे, देखो ये ए है, हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कितना आएगा, कैसे आएगा, कि हमें तो फॉर्मूला पता है कि नहीं, ए इनवर्स का, इसी फॉर्मूला से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो इस फॉर्मूला में सबसे पहले क्या है, 1 बाई ए का डिटर्मिनेंट्स इन टू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ओके देखो ये ए है, ठीक है ना, तो इस ए से हमें ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट्स देखो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, और 2 इंटू 2 ऑर्डर में हम डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसे माइनस करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 2 6, तो आ गया -2, यानी कि ए डिटर्मिनेंट्स आ गया -2। देखो ए डिटर्मिनेंट्स आ चुका है, अभी एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, फिर उन सब इन सब का वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा, है कि नहीं। तो अभी हम कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो अभी हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ओके तो कैसे निकालेंगे, अभी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ओके एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, देखो एडजॉइंट ऑफ ए हम इसका जो पहला वाला टॉपिक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है कि नहीं, इसमें हम पढ़ चुके हैं, तो निकाल लेते हैं। हम कैसे निकालेंगे एडजॉइंट, यानी कि
ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, एक ना ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये होता है एडजॉइंट, ठीक है ना। तो देखो ये मेरा मैट्रिक्स है, ये ठीक है ना, ये मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। देखो मैट्रिक्स ये है, हम यहाँ पे पहले फिर से लिख लेते हैं, मैट्रिक्स मेरा क्या है, 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का सबसे पहले मुझे कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर में कैसे निकालूंगा, कोफैक्टर निकालने से पहले सबसे देखो कोफैक्टर आने से पहले क्या आता है, माइनर आता है, ठीक है ना। और हम ये इसका जो पहला वाला टॉपिक था इसमें भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। माइनर जो है वो कोऑपरेटर के साथ बिल्कुल सेम टू सेम होता है, बस कोऑपरेटर में एक्स्ट्रा क्या है कि कोऑपरेटर हम माइनस या फिर प्लस का साइन एक्स्ट्रा हम लगा लेते हैं। जैसे कि देखो सबसे पहले माइनर देखो, हम इन सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाल लेते हैं सबसे पहले, ओके। वन का माइनर कितना होगा, देखो वन ये वाला कॉलम और ये वाला रो, इनको इनको छोड़ के फोर बचा, तो वन का माइनर फोर। फिर टू देखो ये वाला रो में और ये वाला कॉलम में, तो इनको इनको छोड़ के क्या बचा, थ्री बचा, तो थ्री इसका माइनर। फिर देखो इस अभी थ्री का, थ्री देखो ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में, इनको इनको छोड़ के क्या बचा, टू हो गया, टू आ गया इसका माइनर। फिर देखो फोर, फोर देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको इनको छोड़ के क्या बचा, वन, तो वन रहा इसका माइनर, ओके। और माइनर और कोफैक्टर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें हमें देखो ये तो था माइनर, इस माइनर का हम कोफैक्टर कैसे बनाएंगे ना, इसमें सिर्फ प्लस और माइनस साइन लगा देंगे, ओके। हम इसमें बस प्लस और माइनस साइन लगा देंगे, तो ये हमारा कोफैक्टर बन गया। देखो यही मेरा माइनर था, इस माइनर को ही बस हम सिर्फ प्लस और माइनस साइन लगा दिए, तो वो मेरा कोफैक्टर बन गया। और हम ये जो माइनस या फिर प्लस साइन लगाए, ये हम कैसे लगाए, देखो ये जो पहले वाला है ये मेरा ए वन वन का प्लेस है, और ये ए वन टू, और ये ए टू वन, और ये ए टू टू, ठीक है ना। देखो वन वन प्लस वन कितना होता है, टू, टू प्लस टू कितना होता है, फोर। तो यहाँ पे टू हो रहा है, यहाँ पे फोर हो रहा है, टू फोर मेरा इवन या ऑड है, इवन, इवन यानी प्लस का साइन, इवन था तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। और देखो ये ए वन टू का प्लेस है और ये ए टू वन का प्लेस है, वन प्लस टू थ्री, टू प्लस वन थ्री, थ्री मेरा इवन या ऑड है, ऑड, ऑड यानी कि माइनस साइन लगा दिया, ओके। तो देखो अगर आपको ये डाउट हो कि यहाँ पे माइनस साइन या फिर प्लस साइन हम कैसे लगाएंगे, तो उसका सॉल्यूशन है ये, उसका प्लेस डिसाइड करता है, ओके। वो कौन सा जगह पर है, देखो ये मेरा वन वन का जगह पर था, तो वन प्लस वन टू होता है, टू मेरा इवन या ऑड, इवन, इवन यानी प्लस साइन, और ये वन टू, वन टू के जगह पे है कि नहीं। वन टू मेरा क्या होता है, वन प्लस टू थ्री, थ्री इवन या ऑड, ऑड, ऑड यानी कि माइनस, इवन यानी प्लस, ऑड यानी माइनस, बस इसी तरह से आप प्लस या फिर माइनस साइन लगा दो इस माइनर पे, तो ये हमारा कोफैक्टर बन जाएगा, ओके। देखो ये हमारा कोफैक्टर बन गया। अभी हमें क्या निकालना है, इस कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, ओके। कोफैक्टर ऑफ देखो ये हमारा कोफैक्टर रहा, इनका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, देखो हम इस पहले वाला रो को कॉलम वन में चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। देखो फोर माइनस थ्री देखो यहाँ पर रो वन में है, यहाँ पर हम कॉलम वन में बना देंगे, और ये जो रो टू में है उसको हम यहाँ पर कॉलम टू में बना देंगे। तो ये हमारा देखो इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बना दिया, ये रहा, तो ये हमारा क्या है, एडजॉइंट, ठीक है ना, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो अभी देखो हमें क्या क्या चाहिए था, ए डिटरमिनेंट चाहिए था वो आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए था वो भी आ चुका है। अभी हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं और आंसर कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं सबको। तो देखो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू वन बाय ए डिटरमिनेंट्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है ना। तो अभी फॉर्मूला में पुट करो, तो ए इनवर्स इक्वल टू वन बाय, वन बाय ए डिटरमिनेंट्स, ए डिटरमिनेंट्स कितना है देखो, माइनस टू इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है देखो, ये आ रहा है कि नहीं, फोर माइनस टू माइनस थ्री वन, ये रहा है कि नहीं एडजॉइंट ऑफ ए। अभी देखो वन बाय माइनस टू को हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, देखो वन बाय माइनस टू अगर फोर में मल्टीप्लाई होगा तो फोर बाय माइनस टू, फिर वन बाय माइनस टू अगर माइनस टू में मल्टीप्लाई होगा माइनस टू इंटू, सॉरी माइनस टू बाय माइनस टू होगा, ठीक है ना। फिर माइनस थ्री इंटू वन बाय माइनस टू, तो माइनस थ्री डिवाइड बाई माइनस टू होगा। फिर वन बाय माइनस टू का मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ, तो वन बाय माइनस टू होगा, ठीक है ना। देखो हम वन बाय माइनस टू इंटू ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका मतलब वन बाय माइनस टू जो है वो इन सब के सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ओके। तो हम इस वन बाय माइनस टू को सबके सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इतना आ रहा है। अब इसको सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा देखो, वो हमारा फाइनल आंसर। तो फोर बाय माइनस टू कितना होगा, फोर बाय माइनस टू कितना होगा, माइनस टू होगा, ठीक है ना। टू से टू कैंसिल,
टू टू जै फोर माइनस टू, फिर माइनस टू माइनस टू कैंसिल तो वन, फिर यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल तो थ्री बाई टू ही बचा, और यहाँ पे वन बाई माइनस टू यानी कि माइनस वन बाई टू, ठीक है ना। तो ये रहा मेरा फाइनल वाला आंसर, क्या था, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यही मेरा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। देखो हम इसी तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हो, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद रखो, आंसर कंप्लीट, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आसानी से निकाल सकते हो। तो हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस किए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना है वो पता चल गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज़ ऑपरेटर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो हमारा ये फॉर्मूला। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक तो जरूर। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।